नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, ये कतार सिंह जी ने किया है। इन्होंने कहा है कि आई रिटायर्ड फ्रॉम एचपी गवर्नमेंट सर्विस एज एन असिस्टेंट इंजीनियर आईपीएस डिपार्टमेंट ऑन 31 दिसंबर 2016। एनुअल इंक्रीमेंट वॉज सेंक्शन इन माई फेवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st 1st 2016। आई सर्व फॉर कम्प्लीट 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 टिल 31 दिसंबर 2016, बट एनुअल इंक्रीमेंट वॉज नॉट सेंक्शन बाय द डिपार्टमेंट ऑन द प्ली दैट योर एनुअल इंक्रीमेंट वॉज ड्यू ऑन 1/1/2017। प्लीज क्लेरिफाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी डिसीजंस है डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के और यून के ऑनरेबल अपेक्स कोर्स के भी। तो मैं आज इसी विषय पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या है वो डिसीजंस और लेटेस्ट पोजीशन क्या है इस पॉइंट पे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे उन जजमेंट्स की तरफ जो कि इस इश्यूज पे अभी तक आई है। तो ये जो सबसे पहले जो जजमेंट्स आई थी, ये 15 सितंबर 2017 को आई थी, जो कि ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट की थी। और इसमें जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि जो पिटिशनर था, ही रिटायर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल चेन्नई ऑन 30 जून 2013 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन आफ्टर द सिक्स पे कमीशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स 1st जुलाई एज अ डेट ऑफ इंक्रीमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज बाई अमेंडिंग रूल 10 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज वर्जन। इन व्यू ऑफ द सेड अमेंडमेंट द पटिशनर वॉज डिनाइड द लास्ट इंक्रीमेंट दो ही कम्प्लीटेड ए फुल 1 ईयर इन सर्विस। यानी कि इसमें भी जो है, जो ये प्रेजेंट इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, लगभग सेम ही एनालॉजी पे जो है यहाँ केस था। और इसमें जो डिसीजन आया था मद्रास हाई कोर्ट का वो ये था, द पटिशनर हियर इन हैड कंप्लीटेड 1 फुल ईयर सर्विस एज ऑन 30 जून 2013, बट द इंक्रीमेंट फेल ड्यू ऑन 1st जुलाई 2013 ऑन विच डेट ही वॉज नॉट इन सर्विस। इन व्यू ऑफ द अबाउ जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट नेचुरली ही हैज टू बी ट्रीटेड एज हैविंग कंप्लीटेड 1 फुल ईयर ऑफ द सर्विस दो द डेट ऑफ इंक्रीमेंट फॉल्स ऑन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द रिटायरमेंट। अप्लाइंग द सेट जजमेंट टू द प्रेजेंट केस द रिट पटिशन इज अलाउड। यानी कि एक पहला भी डिसीजन था मद्रास हाई कोर्ट का जिसके बेसिस पे उन्होंने ये अलाउ कर दी और इनको ये सारा बेनिफिट दे दिया गया। लेकिन इस कोर्ट के खिलाफ जो है यूनियन ऑफ इंडिया ने एक SLP फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये SLP जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस PIR फॉर्मल थी, और ये जो है 23 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था, ऑन दी फैक्ट्स वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफियर विद द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास। यानी कि इन लिमनी ही इन्होंने डिसमिस कर दी थी। फिर इस डिसीजन SLP के डिसीजन के अगेंस्ट जो है एक रिव्यू पटिशन भी फाइल की गई थी, जो कि 8 अगस्त 2019 को वो भी डिसमिस कर दी थी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने। उन्होंने कहा था, वी हैव कंसिडर द रिव्यू पटिशन ऑन मेरिट्स इन आवर ओपिनियन नो केस फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 23 जुलाई 2018 इज मेड आउट कॉन्सिक्वेंटली द रिव्यू पटिशन इज डिसमिस्ड ऑन मेरिट। इसी तरह का एक सिमिलर डिसीजन जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का भी आया था, जो कि 23 जनवरी 2020 को आया था, और इसमें भी एनालॉजी लगभग यही था कि जिसमें पिटिशनर इज प्रेइंग इंटर एलिया फॉर ए डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट्स टू ग्रांट टू हिम नोशनल इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2019 फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम फ्रॉम 1st जुलाई 2018 एंड 30th जून 2019 एंड कॉन्सिक्वेंटली रिफिक्सेस पेंशनरी बेनिफिट्स। तो डिसीजन में जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था, अकॉर्डिंगली द इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो इज सेटिस्फाइड। ए डिसीजन इज इश्यू टू द रिस्पोंडेंट्स टू ग्रांट नोशनल इंक्रीमेंट टू द पटिशनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2019। हालांकि इसमें जो है एक डिसीजन जो अगेंस्ट में भी था उसको जो है उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया था फैक्ट्स पे और कहा कि वो डिसीजन इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सवाल आता है कि स्टेट ऑफ हिमाचल में इसकी क्या पोजीशन है। इस विषय पे हमारे अपने ही हाई कोर्ट का जो है एक डिसीजन है, जो कि हरि प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ HP है, और ये डिसीजन 6 नवंबर 2020 को आया है। इस केस में भी फैक्ट्स लगभग सेम ही है जैसे केस में यहाँ पे नोट किया गया है, वेदर एन एम्प्लॉय हु रिटायर्ड ऑन 31st ऑफ ए मंथ इज एंटाइटल्ड टू द इंक्रीमेंट विच वुड हैव फॉलन ड्यू ऑन 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द सिविल लिटिगेशन नंबर सो एंड सो। तो ये क्वेश्चन था, और इसमें जो है मद्रास हाई कोर्ट की जो जजमेंट जो मैंने अभी रेफर किए उसको भी नोट किया गया, और ये उनके SLP को भी नोट किया गया, जो रिव्यू पिटिशन उसमें डिसमिस हुई सबको नोटिस किया गया। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो डिसीजन था प्लस एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन था वो थोड़ा कॉन्ट्रेरी था, और
ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की डिवीजन बेंच ने इसमें इन दोनों डिसीजन को सहारा लेते हुए जो है वो ये होल्ड किया था कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला था, इनफैक्ट जो ये हरिप्रकाश थे उन्होंने पहले ये ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था, ट्रिब्यूनल ने उनका केस रिजेक्ट कर दिया था, तो उस रिजेक्शन के अगेंस्ट ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एचपी में आए थे। तो उसमें जो है उन्होंने उसको कहा कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला सही था और जो ये मद्रास हाई कोर्ट का फैसला था, क्योंकि इसके अगेंस्ट एसएलपी लिमनी डिसमिस हुई थी तो ये कोई लॉ ले डाउन नहीं करता है, तो इसीलिए जो है इन्होंने ये केस रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजंस है जो यहाँ पे मैंने नोट किए हुए हैं ये बिल्कुल सही है और इसी के मुताबिक जो है ये फैसला भी सही है। लेकिन अब ये जो हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट है हरिप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में, इसके अगेंस्ट जो है एसएलपी फाइल हो चुकी है और वो जो एसएलपी है वो उसमें जो है 7 नवंबर 2022 को जो नोटिस हुए हैं, और लेकिन ये दोबारा जो है अभी इसी साल 5 जनवरी 2023 को भी लगा था, तो इसमें ये ऑब्जर्वेशन आई है कोर्ट की कि डिस्पाइट ड्यू सर्विस नन अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 124 हाउएवर सो एंड सो दैट शी विल बी फाइलिंग वालर नामा ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर, यानी कि ये अभी केस पेंडिंग है और इसमें जो है अभी फर्दर डिसीजन आना बाकी है। लेकिन इसी एनालॉजी पे एक गुजरात का हाईकोर्ट का भी जो फैसला चैलेंज हुआ था तो उसमें जो है जिसमें कि बेनिफिट दिया गया था, तो स्टेट ऑफ गुजरात ने ये केस फाइल किया है और इसमें जो है ऑनरेबल पैक्स कोर्ट ने डिले कंडोन करके ये कहा है दो द इश्यू इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट स्पेशल लीव पिटीशन इज एट लार्ज इन अदर मैटर। इसका मतलब ये है कि इस तरह के नेचर के और भी बहुत सारे केसेस ऑनरेबल पैक्स कोर्ट में पेंडिंग है, जैसा कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी हो सकता है, दूसरे डिसीजन के अगेंस्ट भी हो। एज एन प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट इज कंप्लाइड विद एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 1 हैज बीन पेड द रिवीजन पेंशन एंड द डिफरेंस इज ओनली ₹700 पर मंथ इन ए पेक्यूलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस एंड कीपिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन वी रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्रेजेंट स्पेशल लिटिगेशन। यानी कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया था एम्प्लॉय के फेवर में सिमिलर एनालॉजी पे जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट का है, उसके अगेंस्ट जो एसएलपी थी वो जो है डिसमिस की है ऑनरेबल पैक्स कोर्ट ने, ये कह के क्योंकि उसमें सिर्फ 700 रुपये पर मंथ का डिफरेंस है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो इसलिए। लेकिन जो अभी हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला है शायद इसके साथ कोई और भी टैग हो मैटर, वो अभी पेंडिंग है और उसमें डिसीजन आना बाकी है। तो ये इशू था जो कि आई थिंक मैंने आंसर कर दिया है, और अब आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके बेनिफिट की बात है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने जो है टॉपिक्स या कौन सा किस पे मुझे जो है रिसर्च करके वीडियो बनानी चाहिए इस विषय पे अपने विचार रखें और मुझे जो है कन्वे करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।